अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इकरारुल हसन के घर से अहम खबर सामने आ गई। इकरारुल हसन की बीवी प्रेग्नेंट हैं या नहीं, साथ ही इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार इकरारुल हसन ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया, क्या फराह इकरार इकरारुल हसन से तलाक ले रही हैं या नहीं, तमाम तर तफसीलात शेयर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इकरारुल हसन तीन बीवियों के साथ रहते हैं और तीन शादियां कर चुके हैं। रिसेंट इंटरव्यू मोईन पीरज़ादा के इंटरव्यू में जब इकरारुल हसन को इनवाइट किया गया तो इकरारुल हसन से उनसे पूछा गया उनकी चौथी शादी से मुतालिक। इकरारुल हसन ने तीसरी बीवी की मौजूदगी में मोईन पीरज़ादा को ये कहा कि अगर उन्हें अच्छी लड़की मिल गई तो वो चौथी शादी भी ज़रूर कर लेंगे। इस बात पर अरूसा खान काफ़ी नाराज़ नज़र आई। नाज़रीन, फराह इकरार तो पहले ही नाराज़ हैं क्योंकि इकरारुल हसन ने जैसे ही तीसरी शादी की तो उनसे कोई मशवरा नहीं किया था, जबकि इकरारुल हसन अपनी तीसरी बीवी के साथ नहायत ही खुश नज़र आ रहे हैं। अभी तक जर्मनी 2 मंथ हो गए हैं और इकरारुल हसन अपनी तीसरी बीवी के साथ जर्मनी में इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अरूसा खान अपनी खूबसूरत तस्वीर भी शेयर करते हुए दिखाई देती हैं। इकरारुल हसन की पहली और तीसरी बीवी तो एक ही हो गई हैं और एक घर के एक छत के नीचे रहती हैं। ये बात फराह इकरार को पसंद नहीं आई क्योंकि फराह इकरार की ये ख्वाहिश नहीं थी कि इकरारुल हसन तीसरी शादी करके हैं, जबकि फराह इकरार की पहली बीवी से इसलिए नहीं बनती। उनका कहना है कि कुरतुल ऐन इकरारुल हसन की तीसरी शादी करा कर आई हैं और उनसे सौतन का बदला लिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।